नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 120A 120B। देखिए 120 क्या है, 120 क्या है, एक आपराधिक षड्यंत्र है। आप कोई भी जो साजिश रचते हैं तो साजिश एक आदमी के द्वारा नहीं किया जा सकता, वो जब भी होगा एक से अधिक आदमी के द्वारा होगा। किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए, यानी कोई भी जो साजिश होगा वो किसी ना किसी अपराध को अंजाम देने के लिए होगा, या कोई ना कोई मतलब घटना को घटित करने के लिए होगा। तो किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए साझा साजिश यानी कॉमन कॉन्स्पिरेसी, साझा साजिश का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है, ये तो क्लियर है हमारे संविधान के अनुसार या फिर एक मानवता के अनुसार भी। गुनाह क्या है, नहीं गुनाह क्या है, उसका भी परिभाषा हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ऐसे मामले में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जो धारा 120A और 120B है उसमें इस बात का प्रावधान है कि ये गुनाह क्या है और इसके लिए क्या सजा होगा। जिस भी मामले में आरोपियों की संख्या एक से ज़्यादा हो, ध्यान देने की बात है कि जिस भी मामले में आरोपियों की संख्या, करने वालों की संख्या एक से ज़्यादा होती है, तो पुलिस की एफआईआर में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि 120A का जिक्र ज़रूर होता है। आप किसी भी का भी एफआईआर कॉपी आप उल्टा के देख लीजिए, अगर करने वाला यानी गुनाह करने वाले एक से ज़्यादा होंगे तो उसके एफआईआर कॉपी में आपको 120A निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे, किसी साजिश में शामिल होना भी अपराध है, किसी साजिश में शामिल होना भी कानून की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। जो सज़ा उनको मिलेगी सेम सज़ा का हकदार ये भी होगा, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो है वो खुद उस बात को अंजाम दें। इसीलिए 120B जो है इस चीज़ को अलग से डिफाइन करता है, 120A अलग से डिफाइन करता है। ऐसे साजिश में शामिल शख्स, अब ध्यान देने का बात है, ऐसे साजिश, अब जैसे कोई घटना को अंजाम दिया तो केवल वो साजिश ही नहीं, क्या घटना को अंजाम दिया उसका दफा अलग होगा, उसका धारा अलग होगा, उसकी सज़ा अलग होगी। ऐसे साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास के दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो धारा 120B के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर यानी जो उसमें शामिल हुआ था सज़ा मिलेगी। क्लियर हो गया। अन्य मामलों में यह सज़ा 6 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने जो घटना को अंजाम दिया, आपने जो गुनाह किया उसका लेवल क्या था, वो किस कैटेगरी का था, वो ऑफेंस किस तरह का था। ठीक है, अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि 120B क्या है, समझ गए 120। अब थोड़ा सा दोनों को हम डिफाइन कर देते हैं। 120 क्या है समझ गया, आपराधिक षड्यंत्र होता है, एक से अधिक आदमी के द्वारा साजिश के तहत कोई भी घटना जो कानून की नज़र में गलत है को अंजाम देना ही क्या है, गुनाह है, उसके तहत उसका सजा का प्रावधान है। अब 120 का जो ए है वो कहता है जब 2 या 2 से अधिक, एक आदमी से तो संभव है नहीं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य या किसी, देखिए ध्यान देना है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को या वैध कार्य को अवैध तरीके से करने या करवाने में सहमत होते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। ये कानून की परिभाषा में है, कानून का परिभाषा बताता है आपराधिक षड्यंत्र क्या है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करवाने में सहमत होते हैं या करने में सहमत होते हैं उसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। अवैध क्या है इसकी विवेचन जो है हमारे संविधान के धारा 43 में ये दिया हुआ है कि अवैध कार्य क्या है, जो अपराध हो, जो विधि द्वारा प्रतिबद्ध हो, जो जिस पर सिविल कार्रवाई की जा सके, किसी काम को करने के लिए आबद्ध हो, ये अवैध का जो है एक्सप्लेनेशन है। 120B क्या है, साजिश में शामिल शख्स यदि फांसी, उम्र कैद 2 या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होगा तो धारा 120B के तहत उसको भी अपराध करने वाले के बराबर
सजा मिलेगी। अन्य मामले में यह 6 महीना का कैद या दंड या फिर दोनों हो सकता है। आई होप 120, 120 ए, 120 बी आईपीसी का क्या होता है क्लियर हो चुका होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।